भी उतर चुके हैं, तो उसके लिए सरकार किस तरीके से करें? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है वो जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी है जी, उनको उसकी जिम्मेवारी तो सरकार की है, उसको डैमेज को रिस्टोर करना, उसको खोलना जी। मगर हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पर्सनल लॉसेज होते थे, चाहे वो मकान है, चाहे दुकान है, चाहे खेत है, उसके जो डैमेजेस हुआ करते थे और जो रिलीफ मिलता था बहुत थोड़ा मिलता था। पहले एक बीघे ज़मीन का 500 रुपये मिलता था, उसको राशि को बढ़ा करके आज 5000 रुपये कर दिया है। अगर एक बीघा खेत, जो फसल वाला खेत है, या एक बीघे जो बगीचा है, अगर वो उसको नुकसान होता है तो आज पहले 500 रुपये मिलता था, आज आपको 12000 रुपये मिलता है। आज इंडिविजुअल मकान को पहले 12000 मिलता था, आज 1,00,000 रुपये। पहले किराएदार, क्योंकि कोई मकान में, किसी मकान में किराएदार रहते थे, तो किराएदार को कोई कंपनसेशन का प्रावधान नहीं था, मगर अब किराएदार को जो है वो 50,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में जो सरकार देगी। और अगर पशु भी मरते थे, पहले मेरे का 10-15 हज़ार रुपये गाय है, भैंस है, खच्चर है, प्रति दिन छूट बहुत कम राशि मिलती, आज वो राशि बढ़ा करके मुख्यमंत्री ने 55,000 रुपये कर दिया। तो एक बहुत बड़ी राहत जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, जो नुकसान हुआ है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुआ है, तो वो सरकार ने कोशिश की है कि राहत जो है वो प्रदान जो है की। और यहाँ पर भी जो है जो आंकलन है, चाहे इंडिविजुअल लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस है, वो डिपार्टमेंट ने किया है, और अभी कुछ पैसा आया है, और तुरंत जब पैसा आएगा तो इंडिविजुअल लॉसेज जिसके मकान को, खेत को जो नुकसान हुआ है, उनको राशि जो है इंडिविजुअल लोगों को दे दी जाए। जी सर, एक आखिरी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे सबसे बड़ा हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट था मनाली, जो मनाली था, वहाँ बहुत डैमेज हुआ, रोड्स टोटल वॉश आउट हो चुके हैं। कल ही परसों जो है नितिन गडकरी जी, हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी, मुख्यमंत्री के साथ उस क्षेत्र का दौरा किया है, और 400 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने CRF में जो है वो घोषणा की है, और उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को जो है और मदद जो है केंद्र से की जाएगी। जैसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जैसा वो सोच रहे थे दिल्ली में बैठ कर के, कि मौके पे आने के बाद उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं अधिक जो है हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। जी। हमारी